तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायफोकल और प्रोग्रेसिव लेंसेज के बारे में। बायफोकल और प्रोग्रेसिव लेंसेज क्या होते हैं, क्या इनके प्राइजेस में डिफरेंस होते हैं और किन लोगों को यूज करना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बेसिकली बायफोकल और प्रोग्रेसिव लेंसेज नियर विजन के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे ही हम 35 या 40 ईयर्स के अप्रोक्स हम पहुंचते हैं, हमें ब्लर विजन का सामना करना पड़ता है, हमारे आई साइट जो है वीक हो जाते हैं। एक्चुअली ये एज डिपेंडिंग फैक्टर है। जैसे ही हम 40 इयर्स के करीब पहुंचते हैं, हमारे रीडिंग करने में या फिर हमें कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन देखने में हमें प्रॉब्लम होने लगती है, उसके डिस्टेंस को बढ़ा करके देखना पड़ता है या घटा के देखना पड़ता है, तब हमें चीजें क्लियर विजिबल होते हैं। हमें विजन को क्लियर मेंटेन करने के लिए हमें आई ग्लासेस की नीड होती है। हमें आई ग्लासेस बनवाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या हम बायफोकल में स्विच कर सकते हैं या हमें प्रोग्रेसिव लेंसेज में स्विच कर सकते हैं। तो अपने अपने नीड के हिसाब से लोग बायफोकल या प्रोग्रेसिव लेंसेज में स्विच करते हैं। बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है कि बायफोकल और प्रोग्रेसिव लेंसेज में क्या डिफरेंसेस होते हैं, किन लोगों को लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए और उनके एडजस्टमेंट क्या होती है, सारी डिटेल्स हम बात करेंगे और हम प्राइजेस की भी डिस्कशन कर लेंगे, क्या डिफरेंसेस पड़ते हैं बायफोकल और प्रोग्रेसिव लेंसेज में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव लेंसेज के बारे में। इसमें कोई आपको लाइन आपको देखने को नहीं मिलती या कोई सर्कल या कोई कटआउट आपको देखने को नहीं मिलता है। बायफोकल में आप लोगों ने बहुत सारे लेंसेज पे गौर किया होगा, तो उसमें एक सर्कल सा होता है जो नियर विजन के लिए यूज किया जाता है और उसके अपर पोर्शन जो होता है वो आपको डिस्टेंस के लिए यूज होता है। और वहीं प्रोग्रेसिव लेंसेज की बात करेंगे तो इसमें आपको 3 जोन में ये डिवाइडेड होता है। पहले की बात करेंगे तो आपको डिस्टेंस देखने के लिए काम आता है। दूसरे जोन की बात करेंगे तो आपको कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन देखने में यूज किया जाता है। थर्ड जोन की बात करेंगे तो आपको नियर विजन के लिए यूज किया जाता है, जब बुक वगैरह रीड्स कर सकते हैं इजिली, आपको आई ग्लासेस को क्लियर विजन प्रोवाइड कराता है। और बायफोकल लेंसेज की बात करेंगे तो वो सेपरेटली दो ही आपको जोन में आपको डिवाइडेड मिलेंगे। अगर उसमें आप डिस्टेंस के लिए देखते हैं या फिर आप जो नियर वाला जो होता है वो सर्कल से आपको नियर विजन के लिए यूज किया जाता है, इसमें कोई आपको इंटरमीडिएट जोन नहीं मिलता है। जैसे आप लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन देखेंगे तो आपको उतना कंफर्टेबल व्यू नहीं होगा जितना आपको प्रोग्रेसिव में इजिली आप देख सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को आप बायफोकल के द्वारा आप यूज करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप से आपको नियर वाले विजन से आपको थोड़ा गर्दन को उठा करके आप देखेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर आपको स्क्रीन दिखाई देगी। वहीं आप प्रोग्रेसिव की बात करेंगे तो उसमें आपको एकदम जितना आपको नॉर्मली आपको रहना चाहिए, हेड का स्ट्रक्चर जो है आप कहीं से आपको गर्दन ऊपर नीचे करने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे लोग बायफोकल में ही यूज करते हैं तो उन्हें बहुत बार आगे पीछे ऊपर नीचे अपने गर्दन को करना पड़ता है ताकि उन्हें क्लियर विजन दिखाई दे। आपको प्रोग्रेसिव में जितना आपको जहां पे डिस्टेंस में आपको नीड होता है पावर की, उसी हिसाब से उसमें एडॉप्शन पावर आपको दिए जाते हैं जो कि अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर लेते हैं। आपको एक नेचुरल विजन आपको प्रोवाइड कराता है प्रोग्रेसिव लेंसेज। अब प्रोग्रेसिव लेंसेज और बायफोकल लेंसेज कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे और प्राइसेस की क्या क्या डिफरेंसेज आती है दोनों में उसमें भी हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले ग्लासेस की बात करेंगे तो वो मेनली 3 टाइप के आते हैं, सिंगल विजन, बायफोकल और प्रोग्रेसिव लेंसेज। इसमें बहुत सारी क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। ये जो मेरे हाथ में वो सिंगल विजन लेंस है, ये आपको एक बायफोकल लेंस देखने को मिलता है जिसमें आप डिस्टेंस के और पास के दोनों नंबर अपने हिसाब से ऐड ऑन करवा सकते हैं। अगर आपको दूर में पावर नहीं लगता है तो आपको 0 नंबर ऊपर रहेगा और नीचे की ओर आपको नियर का नंबर आपको लगता है। उसके बाद आपको ये एक सिंगल विजन लेंस है। उसके बाद ये प्रोग्रेसिव लेंस है जिसमें आपको डिजिटल मार्किंग देखने को मिलेगा। इसमें एडॉप्शन पावर आपको देखने को मिलता है जिसमें आपको डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर का पावर देखने को मिलता है, जो कि आप अगर लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करते हैं तो प्रोग्रेसिव का ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। बायफोकल लेंस में आपको नीचे की तरफ सर्कल नज़र आता है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसे प्रीफर नहीं करते। और प्रोग्रेसिव में आपको कॉस्मेटिकली भी बहुत चेंजिंग देखने को मिलता है, दूर से देखने में आपको एक सिंगल विजन सा ही बिहेव करता है। अब बात करेंगे हम प्रोग्रेसिव लेंसेज हमें बनाने के लिए हमें सबसे पहले आई सेंट्रेशन लेना पड़ता है या पीडी डिस्टेंस आप बोलते हैं, हमें आई की मेजरमेंट करनी पड़ती है। कस्टमर को अपने हिसाब से चश्मा पहनने देना चाहिए, कितना पे वो वेयर करते हैं उस हिसाब से हम आई ग्लासेस के सेंट्रेशन या आईपीडी मेजरमेंट करना चाहिए ताकि उनको पहनने में हमेशा कंफर्टेबल रहे। प्रोग्रेसिव लेंसेज की बात करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं हमने एक प्रोग्रेसिव लेंसेज को बनाया है और साथ ही साथ हमने एक बायफोकल लेंसेज को ही बनाया है। दोनों को हम कंपेरिजन करके भी आपको दिखा देंगे। इसमें एक हाई नंबर का हमने प्रोग्रेसिव नंबर बनाया है जो कि आपको हार्ड कोट में देखने को मिलता है, जो कि प्राइम कंपनी का लेंस है। इसमें 3 पावर आपको इंडिविजुअली डिवाइडेड देखने को मिलते हैं, डिस्टेंस, नियर और इंटरमीडिएट पावर भी आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करने में बहुत कंफर्टेबल होता है। ये देख सकते हैं हमने एक बायफोकल लेंसेज को फिट किया है। इसमें देख सकते हैं नीचे की तरफ से आपको सर्कल नज़र आ रहा है और उस प्रोग्रेसिव लेंसेज में आपको नीचे से बिल्कुल भी कटआउट या सर्कल सा नज़र नहीं आ रहा था। इसमें डिस्टेंस में आपको 0 पावर है और सिर्फ नियर का नंबर इसमें देखने को मिलता है। उस प्रोग्रेसिव लेंसेज में हमने डिस्टेंस और नियर दोनों का नंबर बनाया था, लेकिन फिर भी इस तरह से आपको पता नहीं चलता है। दूर से देखने में बिल्कुल ही एक सिंगल विजन सा होता है। इसमें एडॉप्टिव पावर आपको देखने को मिलता है जिसका एडॉप्शन बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा।
प्राइसेस की बात करेंगे तो बाइफोकल आपको 199 से स्टार्ट हो जाता है और प्रोग्रेसिव लेंसेज आपको 499 से स्टार्ट हो जाता है। ये अलग अलग कंपनी पे इसके पावर के नंबर्स वेरी करते हैं और प्राइसेस भी वेरी करते हैं। अगर आप प्रोग्रेसिव लेंसेज बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों को एडजस्टमेंट एक दिन में हो जाता है, बहुत लोगों को दो दिन में, या बहुत लोगों को सप्ताह या 10 दिन भी लगे जाता है। तो उसमें कोई सा भी आपको उकताहट नहीं, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, आपको टाइम देना है प्रोग्रेसिव को। अगर आपका प्रोग्रेसिव सही तरह से बनाया गया है तो आपको एडजस्ट करेगा ही। बहुत लोग पुराने आई ग्लासेस में फिर स्विच कर जाते हैं कि उन्हें बहुत बार कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। फिर उसके बाद अपने आई ग्लासेस को लेकर के आप ऑप्टिशियन या फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, हमारा आई ग्लासेस सही बना है कि नहीं बना है। प्रोग्रेसिव में जो है अडॉप्टिव पावर होता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बहुत सारे लोग तुरंत एडजस्ट कर लेते हैं। वही बाइफोकल में आपको बाइफोकल में वही आपको दो ही विजन मिलता है, इसीलिए बाइफोकल आपको इजीली एडजस्ट हो जाता है। लेकिन थोड़ा आपको स्टार्टिंग में आपको चलने फिरने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा, उसमें आपको एडजस्टमेंट उसमें भी आपको करना पड़ेगा और प्रोग्रेसिव लेंसेज में भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव लेंसेज एक बार एडजस्टमेंट हो जाने के बाद बहुत ही आपको कंफर्टेबल और क्लियर व्यू प्रोवाइड कराता है। दोनों लेंसेज में वही है, अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे ज्यादा काम करते हैं तो आपके लिए प्रोग्रेसिव एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप वर्क नहीं करते तो आपके लिए बाइफोकल भी बेस्ट है। बहुत सारे लोगों को बाइफोकल्स में लाइन या सर्कल आपको नजर आते हैं आई ग्लासेस पे, तो उन्हें एक एज वाला पावर की वजह से उन्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो बहुत सारे लोग प्रोग्रेसिव में इसलिए भी स्विच करते हैं कि उन्हें कोई सा भी लीनियर लाइन या सर्कल आपको नजर नहीं आता, तो एक सिंगल विजन से आपको बिहेव करता है आपको प्रोग्रेसिव लेंसेज, तो इसलिए भी बहुत सारे लोग प्रोग्रेसिव में जाना प्रीफर करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।